तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा आज से अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते अब शाम तक सड़क के रास्ते बोमडिला पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे का चीन लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में जब दलाई लामा तवांग पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीन का ब्लड प्रेशर जरूर हाई होगा। चीन को धर्मगुरु दलाई लामा के इस दौरे से इतनी बौखलाहट क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन लगातार दलाई लामा के इस दौरे का विरोध करता आ रहा है, क्योंकि तवांग चीन और भारत के बीच के विवाद की असली वजह है और चीन इस हिस्से पर अपना हक जताता आया है। तवांग के बौद्ध मठ को 30 मार्च 2009 को भारत सरकार की ओर से चलाए गए इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के तहत भारत को सातवां आश्चर्य कहा गया था। साथ ही अरुणाचल की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी है कि यह बिहार के सारनाथ, तिब्बत के लासा, भूटान और कई दक्षिणी पश्चिम देशों के बीच पड़ता है। इसे भारत के बौद्ध पर्यटन के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अगर बात करें धर्मगुरु दलाई लामा की, तो चीन हमेशा से ही दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता आया है और कहता है कि वो साल 1959 में असफल सैन्य विद्रोह के बाद तिब्बत से भागकर भारत आए थे। लेकिन उस पल को याद करते हुए दलाई लामा ने बताया था कि 1959 में चीन की सेना की कार्यवाही लगातार बढ़ रही थी और मेरे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा था, जिस वजह से 17 मार्च को मैं वहां से निकल आया था। आगे उन्होंने कहा था कि 58 साल पहले जब तवांग में उनका जिस तरह से स्वागत किया गया था, वो पल उनके लिए आज़ादी का पल था।